नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, मथुरा कंटेंटमेंट बोर्ड के तरफ से नई आईटीआई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ये मथुरा छावनी परिषद में रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये टोटली लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी में आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए भी रिक्रूटमेंट निकाला गया है और नॉन आईटीआई जो 10वीं 12वीं है उनके लिए भी रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया। गाइज जैसे आप यहाँ पर मथुरा छावनी परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यानी मथुरा कंटेंटमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे इस पर आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, लेटेस्ट इवेंट करके यहाँ पर दिया गया है। 18 फरवरी को यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट कंटोनमेंट बोर्ड मथुरा, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पर फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। और इसके बाद यहाँ से क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से जो आपके क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर करिकुलम दिया गया है, तो यहाँ पर एजुकेशनल और पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर करिकुलम दिया गया है, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर मथुरा छावनी परिषद बोर्ड मथुरा के तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये आपकी ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है 18 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो बताया गया 20 मार्च 2023 रखा गया है। इसमें पहला पोस्ट सैनिटाइजर इंस्पेक्टर के लिए है, जो एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में है। यहाँ पर जो लेवल आपको रखा गया, लेवल 6 की आपकी सैलरी होने पर ही, एज 31 से 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री अथवा डिप्लोमा होना चाहिए हैंड सैनिटाइजर में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है, गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो सीट दी गई है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेवल 3 की नौकरी है, यहाँ पर सेम एज रखा गया। यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास टाइपिंग होना चाहिए 25 वर्ड पर इंग्लिश होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। डोएक सोसाइटी से आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और पंप ड्राइवर के लिए यहाँ पर निकाला गया है, एक पोस्ट पर है जो आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। यहाँ पर आईटीआई जो यहाँ पर मांगा गया है वो आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड में है, इलेक्ट्रीशियन में है, लेवल 2 की है, तो यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था। इसके बाद ये आपके डिटेल नोटिफिकेशन है, यहाँ से देख सकते हैं डिटेल वाला नोटिफिकेशन दिया गया है। यही सेम टू सेम यहाँ पर भी मेंशन किया गया पूरा डिटेल, इसको देख लीजिए कि एज बताया गया है, जब फॉर्म स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मिनिमम एज जो बताया गया 21 ईयर, मैक्सिमम एज जो बताया गया 30 ईयर। एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। एज रिलैक्सेशन के बाद आपकी एज यहाँ पर इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपकी रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मेंशन किया गया है वो बहुत ज़्यादा रखा गया। गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इतना फीस अच्छा है या ख़राब है, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इतना फीस नहीं रखना चाहिए था इनको, इस डिपार्टमेंट को। तो जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS और OBC के लिए 1500 रुपया, और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपया, और SC ST और PWD ओमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 750 रुपया रखा गया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर जो अप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं,
जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है इसके हिसाब से, और आपकी हॉल टिकट जो डाउनलोड किया जाएगा मथुरा कंटेनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपकी जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको जो आपका सेंटर बनाया जाएगा वो मथुरा में ही बनाया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया हूँ इसको भी, और नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जो भी एलिजिबल है पूरा यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक दिया है आपको, वहाँ पर भी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप फॉर्म पर क्लिक करके, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर एक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट ये सब वगैरह, तो आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। और ये आपकी फॉर्म के बारे में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पूरा दिया गया है, और इसके बाद ये आपको यहाँ पर एक पोस्ट के लिए करिकुलम भी आया हुआ है, इस पर जैसे जो हैंड सैनिटाइजर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर करिकुलम भी आया है, एजुकेशन में कुछ परिवर्तन किया गया, तो यहाँ पर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप तो अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। आगे इंग्लिश में भी ये चीज़ें बताई गई हैं, जो यहाँ पर बताया गया है कि बैचलर हैंड सैनिटाइजर इंस्पेक्टर के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा हैंड सैनिटाइजर में होना चाहिए, अगर आप इससे हैं तो इससे अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लॉगिन करना है, पहले आपको लॉगिन करने के बाद आप इसको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, यानी पहले आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे इस तरह की आपको पेज हो जाए ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पर पूरा डिटेल बना के पहले रजिस्टर हो जाइए, फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वहाँ जाके आपको लॉगिन करना है। इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की अपना फ़ोन नंबर या कैंडिडेट आईडी डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।